नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईटीआई लिमिटेड की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। आईटीआई लिमिटेड दोस्तों एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, जो कि आपका जो है नेटवर्क सिस्टम के अंतर्गत ये आता है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है एज अ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए निकाली गई, जिसमें 25,000 से लेकर 28,000 तक सैलरी आपको एज अ रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई है वो आपका आईटीआई लिमिटेड की तरफ से आया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, जो कि नेटवर्क सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर ये बेंगलुरु में आपका यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो जॉब लोकेशन आपका एज अ बेंगलुरु एज अ रह सकती है। ठीक है, यहाँ पर आईटीआई लिमिटेड के बारे में अगर जानकारी चाहते हो तो यहाँ पर मेंशन भी दिया है एज ए पोर्टफोलियो में। आईटीआई लिमिटेड ऑफर्स एज ए डिवाइस सूट ऑफ प्रोडक्ट सोल्यूशन एंड सर्विस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री सेगमेंट, जैसे एज ए आई टी आई हैज मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एज अ टेक्नोलॉजी इट इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नेटवर्क सिस्टम यूनिट NSU इज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट ऑफ आईटीआई लिमिटेड। NSU स्पेशलाइजेशन इज प्रोवाइडिंग टेलीकॉम नेटवर्क एंड सर्विस विथ एज ए मेजर एम्फेसिस इज गिवेन टू ट्रंकी टेलीकम्युनिकेशन सोल्यूशन। फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, तो इसके अलावा भी और भी जानकारी चाहिए आईटीआई लिमिटेड के बारे में तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जाके आप सर्च आउट कर सकते हो। ठीक है, आईटीआई लिमिटेड जो है दोस्तों आपका एज अ वर्क इंटरव्यू निकाला है, एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज रहेगी, जिसमें यह पोस्ट जो रहेगा एज अ कॉन्ट्रैक्ट सिविल इंजीनियर की पोस्ट आपका अजर आने वाली है। तो जनरल के लिए यहाँ पर 10 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज है। और इस तरह से टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 24 पोस्ट आपका एज अ रखा गया है सिविल इंजीनियर, वो आपका डिप्लोमा वगैरह रहना चाहिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी उन्होंने मेंशन दे रखा है, ऐसा यहाँ पर देख सकते हो। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा जो आपका सिविल वगैरह से रहना चाहिए। ठीक है, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनिशियल पीरियड ऑफ एंगेजमेंट विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, फर्दर एक्सटेंडेबल टू 12 मंथ एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको 12 मंथ यानी कि 1 ईयर के लिए रखेगा, उसके बाद आपको एक्सटेंड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड होगा फिर से 12 मंथ के लिए, यानी कि 2 साल का एज है, मान के चलिए आपको 2 साल का एज है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली वैकेंसीज। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका 28 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 28 साल होना चाहिए, साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको मिलने वाले। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आपका कैंडिडेट विथ BTech सिविल इंजीनियरिंग में ऑल्सो अप्लाई, तो आपने अगर BTech सिविल वगैरह से कर रखे तो अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, तो आपके पास रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 28,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और जो है स्टेट पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह पर जो है पोस्टिंग भी रह सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो जहाँ पर जैसा सैलरी रहता है उसके आधार पर आपका सैलरी रहेगा, 25,000 से लेकर 28,000 तक सैलरी आपका एज रहेगी, डिपेंड करेगा आपका कौन सा स्टेट में रहने वाली है जॉब। ठीक है, अदर एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपका PF वगैरह भी रहेगा, मेडिकल फैसिलिटी रहेगा, 12 डे एंड कैजुअल लीव रहेगा पर NM, यानी कि पर साल आपका 12 छुट्टी रहेगा जो कि कैजुअल लीव रहेगा, और स्पेशल कंपटेंसी अलाउंस रहेगा, कंपटेंसी अलाउंस वगैरह भी रहेगा, जैसे आपका पोस्टिंग वगैरह कहीं पर होता है तो अलग से आपको अलाउंस रहेगा जो कि कंपनी के रूल्स अनुसार से। उसके बाद TA DA पर कंपनी रूल्स के अनुसार से आपको TA DA भी आपको मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका वर्क इन लॉजिस्टिक प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए बिफोर वर्क इन कैंडिडेट मस्ट विजिट ITI लिमिटेड वेबसाइट। वर्क इंटरव्यू जाने से पहले आप यहाँ पर इसके एक बार वेबसाइट वगैरह चेकआउट कर सकते हो एंड फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द दिस नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो ITI के लिए ITI लिमिटेड की तरफ से जो भी अभी रिक्वायरमेंट आया है और आप अगर वर्क इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो भी नया नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके आधार पर फॉर्म फिलअप भरने के बाद यहाँ पर देखिए आगे का प्रोसेस आपको ईमेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ड्यूरिंग द वर्क
इन सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी असेस्ड बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्किल एंड सुटेबिलिटी फॉर द पोजिशन अवेलेबल। तो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो उनका जो है रिटर्न पहले वॉक इंटरव्यू होगा। वॉक इंटरव्यू होने के बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर और स्किल टेस्ट के आधार पर आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और कैंडिडेट हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंपनी वेबसाइट। तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एज वगैरह की बात करें तो मैक्सिमम आपको 18 साल है, बाकी ओबीसी है तो 3 साल इसमें और ऐड कर सकते हो, एससी एसटी है तो 5 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो इस तरह से आपका एज का रिलेक्शन यहाँ पर दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह भी यहाँ पर दिया गया, क्या क्या मेडिकल वगैरह होना चाहिए स्टैंडर्ड, वो सारी चीज़ यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और डीवी के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी आपको डीवी के टाइम पे लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर शेड्यूल क्या रहेगा इसकी वॉक इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर देखिए जर्नल वाइज आपका वॉक इंटरव्यू दिया गया और एड्रेस भी और आपका अलग अलग डेट भी दिया गया है। यहाँ पर जॉइन के बात करें तो जोधपुर के लिए है, जिसमें आईटीआई लिमिटेड, जो कि यहाँ पर आईटीआई लिमिटेड के बहुत सारे 3-4 जगह इसके ब्रांचेज हैं, तो सभी ब्रांच में इसका इंटरव्यू आपका रहने वाली है, ठीक है। आप अगर जॉइन जोधपुर के लिए जाना चाहते हैं तो आईटीआई लिमिटेड नेटवर्क सिस्टम यूनिट, इसका पूरा एड्रेस दिया है, ठीक है, और इसका 24 जून को इसका इंटरव्यू है जोधपुर के लिए। और श्रीनगर के लिए जो आपका इंटरव्यू है वो आपका 25 जून का होगा और यहाँ पर इसका पूरा एड्रेस देख सकते हो। तो जिस जगह पर जिस जॉन पर आप इंटरव्यू देना चाहेंगे वहाँ का ऑफिशियल जो है आपको वहाँ पर एड्रेस देखने को मिल जाएगी। श्रीनगर के लिए यहाँ पर देख सकते हो आईटीआई लिमिटेड श्रीनगर का पूरा एड्रेस दिया है और इसका 25 जून का इंटरव्यू है। उसके बाद जम्मू में भी है, तो जम्मू में भी इसका इंटरव्यू जो होगा 26 जून को होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी बिफोर 9:30 AM टू 1:30 तक दिया है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 9:30 बजे से 1:30 बजे तक के बीच होगा। 1:30 बजे के बाद अगर जाते तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया। तो जो भी डेट है दोस्तों, जो भी टाइमिंग है, उस टाइमिंग से पहले आपको पहुँच जाना है। उसके बाद पंजाब में भी आईटीआई लिमिटेड का ब्रांच है, उसमें आपका 27 जून को रखा गया है इसका इंटरव्यू और इसका टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, ठीक है। और लेह में भी है, इसका 28 जून को रखा गया इंटरव्यू दोस्तों, और उत्तराखंड में भी है, इसका 29 जून को रखा गया इंटरव्यू, और सिक्किम में भी इसका वॉक इंटरव्यू रखा गया है जो कि 1 जुलाई को है, और अरुणाचल प्रदेश में आपका 2 जुलाई को रखा गया है। तो जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, आपके जो भी नज़दीकी हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। आपने डिप्लोमा या बीबीटेक सिविल वगैरह से किए तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर देखिए किस पोस्ट किस जगह पर किस जॉन पर किस लोकेशन पर कितनी कितनी सीटें हैं, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो जिस जगह पर जितना सीट है उसके अनुसार से आप जाके वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जनरल कंडीशंस दिया है, तो क्या क्या आपका जो डिप्लोमा या बीबीटेक आपका AICTE टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड या UGC से अप्रूव वगैरह रहना चाहिए और सारी चीज़ यहाँ पर जो भी मेंशन है दोस्तों वो सारी चीज़ें रहनी चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ दोस्तों बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।